My dear student, myself S.V. Kanoli, assistant professor botany. Today's my topic, reproductions, life cycles, alternation and generation of ephedra. Ephedra एक बहुत ही महत्वपूर्ण economic importance वाला plant होता है, जिसका main plant body sporophytic होता है. सामान्यतः यह plant unisexual होता है. Unisexual means जिसमें male and female organs अलग अलग होते हैं. सामान्यतः जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह आपस में जुड़ करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम कोन या स्ट्रोविलस के नाम से जानते हैं. सामान्यतः जो एफिड्रा है यह एंजियोस्पर्म प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस की तरह दिखाई देता है. मुख्यतः एफिड्रा का प्लांट टायोसियस होता है. टायोसियस मीन्स कि अलग अलग प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं, ऐसे प्लांट को हम टायोसियस कहते हैं. परंतु देखा गया है कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें मोनोसियस स्पीसीज पाई जाती है. एग्जांपल देखा जाए तो एफिड्रा इंटरमीडिया एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें बाइसेक्सुअल्स स्ट्रोविलस लगे हुए होते हैं, और कुछ प्लांट मोनोसियस भी होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में दोनों फीमेल और मेल प्रोटीव ऑर्गन्स एक साथ ओरिजिनेट होते हैं. अब हम बात करेंगे वन बाय वन मेल फ्लावर्स या मेल स्ट्रोविलस और फीमेल फ्लावर्स या फीमेल स्ट्रोविलस. तो पहले बात करते हैं मेल फ्लावर की. तो मेल फ्लावर जो होते हैं, इसमें जो मेल स्ट्रोविलस होते हैं वह पत्तियों के अक्ष पर नोड से पर ओरिजिनेट होते हैं. जो पत्ती के अक्ष होते हैं उस पर नोड पाए जाते हैं, उस नोड से स्ट्रोविलस का विकास होता है. और प्रत्येक स्ट्रोविलस जो है 2 से लेकर 16 ब्रेक्ट या स्केल से घिरे हुए होते हैं, और प्रत्येक ब्रेक्ट में एक मेल फ्लावर ओरिजिनेट होता है. और वह मेल फ्लावर जो होता है वह 2 पेरियंस उसमें पाए जाते हैं, और 2 पेरियंस के बीच में एक स्टेमेन होता है, और प्रत्येक स्टेमेन में 1 से लेकर 8 तक माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं. जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि यह स्पोरेंजिया जो है बाइलॉक्युलर्स या ट्राइलॉक्युलर स्ट्रक्चर होता है. इसके बीच में एक टर्मिनल स्लीट पाया जाता है जिसके माध्यम से यह डिसेंस होता है और माइक्रोस्पोर्स का डिस्पर्सल होता है. तो यह हुआ स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्ट्रोविलस. फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल स्ट्रोविलस. तो मेल स्ट्रोविलस की तरह फीमेल स्ट्रोविलस का भी विकास जो है पत्तियों के अक्ष से नोड पर होता है. यह देखने में फीमेल स्ट्रोविलस जो है मेल स्ट्रोविलस के समान दिखाई देता है, परंतु आकार में उससे कुछ बड़ा और नुकीला होता है. प्रत्येक फीमेल स्ट्रोविलस में भी एक मेल एक्सिस होता है, और उस मेल एक्सिस के चारों ओर 2 से लेकर 4 ब्रेक पाए जाते हैं. जो निचला ब्रेक होता है वह एस्टराइड होता है, वहाँ पर किसी प्रकार के फ्लावर नहीं लगते हैं. परंतु जो ऊपरा ब्रेक होता है वहाँ पर का जो पार्ट होता है वह फर्टाइल होता है, जिसमें 2 फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं. उसमें से देखा गया है कि एक फ्लावर जो है डिजर्नेट हो जाते हैं, और एक फ्लावर्स आगे चल करके वह ग्रोथ करके आगे डेवलपमेंट को बढ़ाता है. और प्रत्येक फ्लावर में एक ओव्यूल्स पाया जाता है, और इस ओव्यूल में स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि न्यूसेलस जो होता है वह 2 इंटेग्यूमेंट को बोलते हैं बाइटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ रहता है. जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वह कुछ लंबवत वृद्धि करता है, और लंबवत वृद्धि करके एक माइक्रोपाइलर ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर ये भी इस तरह से देखने को हमको मिलता है. हाँ, इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एफिड्रा, तो हमको इस तरह से उसका आंसर देना पड़ता है. अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, या स्पोरोजेनेसिस होता क्या है. तो अपन कह सकते हैं कि स्पोरेंजिया से एक माइक्रोस्पोर की निर्माण की जो पूरी घटना होती है हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट होता है यूस्पोरेंजिया टाइप का. यूस्पोरेंजिया से तात्पर्य है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल से अगर किसी भी स्पोर का डेवलपमेंट होता है तो हम ऐसे डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं.
उसके अतिरिक्त होता है एक लेपिडोस्पोरेंजियम टाइप डेवलपमेंट, वहां पर जब केवल एक सेल से अगर किसी स्पोर का डेवलपमेंट होता है तब हम उसे लेप्टोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया में माइक्रोस्पोरेंजिया या कोई भी एक एपिडर्मल सेल्स जो है वह आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है। इसके तरह आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल की तरह फिर इसमें एक एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और इस एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो सेल का निर्माण होता है। पहला है ऊपर की ओर पेराइटल सेल और नीचे की ओर एक स्पोरोजेनस सेल का निर्माण होता है। उसके पश्चात जो पेराइटल सेल है उसमें लगातार एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन पाया जाता है जिससे उसमें बाहर की ओर 3 से 4 लेयर वॉल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके अंदर की ओर एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन एपिटम कहते हैं। इस तरह से यह माइक्रोस्पोरेंजियम या एक तरह से पोलन चेम्बर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पश्चात जो एक स्पोरोजेनस सेल होता है वह स्पोरोजेनस सेल्स एपिटम या अन्य प्रकार के न्यूट्रिटिव सेल को भक्षण करता है और अपने साइज में वृद्धि करने लगता है और वह एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करने लगता है। अभी यह नेचर में डिप्लॉयड होता है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस। मियोसिस सब जानते हैं कि मियोसिस क्या होता है, यह ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। फिर यहाँ पर जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की क्रिया होती है तब यह माइक्रोस्पोर टेट्राड या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल से एक माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होने की क्रिया जो संपादित होती है हम उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब हम इसको यहाँ पर रोक करके सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वह है मेगा गैमिक स्पोरोजेनेसिस। तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। अब देखने को मिलता है कि ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, उस ओव्यूल में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की कोई भी एक सेल्स जो होते हैं वह सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करके अपने साइज में वृद्धि कर लेता है और वह एक मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर भी सेम रक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस की क्रिया होती है जिससे यह सेल डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4 मेगा स्पोर का निर्माण करता है। देखने को मिलता है कि जो 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वह कुछ समय पश्चात डिजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर ही केवल एक्टिव होता है और जिससे एक हैप्लॉइड मेगा स्पोर का निर्माण होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो न्यूसेलस की जो डिप्लॉइड सेल से एक फंक्शनल हैप्लॉइड मेगा स्पोर का निर्माण होता है यह क्रिया मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया। तो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया क्या होती है कि जो फंक्शनल स्पोर्स होते हैं जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं उससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो पहला हम चर्चा करेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो मेल गैमेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट के लिए प्रथम जो न्यूक्लियस होता है या फंक्शनल न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन जो होता है 2 लेयर वॉल से घिरा हुआ होता है। सबसे आउटर वॉल को हम एक्साइन के नाम से जानते हैं और उसके नीचे एक थिन लेयर वॉल होता है जिसको हम एंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन और एंटाइन से बना हुआ होता है और बीच में एक फंक्शनल न्यूक्लियस होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स में डिवीजन होता है, प्रथम डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन और उस डिवीजन से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। पहले को बोलते हैं अपन प्रोथेलियल सेल और दूसरा कहलाता है एंथ्रेडियल सेल, क्लियर। अब प्रोथेलियल सेल में कोई एक फिर पुनः एक विभाजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन और वह 2 न्यूक्लियस का निर्माण करता है, प्राइमरी प्रोथेलियल सेल और एक बनता है सेकेंडरी प्रोथेलियल सेल। अब यहाँ पर किसी प्रकार के सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट आगे चलता है, तब जो हमारा एंथ्रेडियल सेल होता है वह एंथ्रेडियल सेल में माइटोसिस की क्रिया होती है और वह विभाजित होकर के 2 न्यूक्लियस का निर्माण करता है, एक ऊपर की ओर जनरेटिव सेल्स और एक नीचे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तत्पश्चात
पुनः फिर जनरेटिव सेल में पुनः डिवीजन होता है, और यह जनरेटिव सेल जो है पुनः दो प्रकार के न्यूक्लियस का निर्माण करता है, एक को बोलते हैं बॉडी न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है स्टॉल्क सेल। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो पांच सेलुलर या पांच न्यूक्लियर स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, और यह पांच न्यूक्लियस स्टेज जो है अब यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होती है, और पॉलिनेशन की क्रिया में क्या होता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, यह माइक्रोस्पोर्स उड़ करके एनोफिलस होती है, इसमें मतलब हवा के माध्यम से या फीमेल फ्लावर तक या ओव्यूल तक पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर आगे की डिवीजन फीमेल फ्लावर्स में संपन्न होती है। फिर यह फाइव स्टेज जो न्यूक्लियस जो होते हैं स्पोर्स, वह उसमें क्या होगा जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, फिर इंटाइन और एक्साइन। तो एक्साइन वॉल रेप्चर होता है जिससे इंटाइन का वॉल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और यह ट्यूब लाइक फॉर्मेशन जो होता है इसको अपन पोलिन ट्यूब के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद देखा जाता है कि ये जो पोलिन ट्यूब होते हैं वहां पर स्टॉल्क सेल्स और एक होता है आपका ट्यूब सेल्स, ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं वह ट्यूब जो होते हैं पोलिन ट्यूब में वह आ जाते हैं। तत्पश्चात जो एक हमने बात किया बॉडी न्यूक्लियस, इस बॉडी न्यूक्लियस में पुनः एक विभाजन होता है, और इस विभाजन होने से दो मेल न्यूक्लियाई या दो स्पर्म का फॉर्मेशन यह कर लेता है। इस तरह हमने देखा कि एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर से एक दो मेल न्यूक्लियाई या दो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, कहने का मतलब यह है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं जहां पर मेगा गैमेटोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, उस क्रिया को अपन बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल हैप्लाइट मेगा स्पोर्स है, इस मेगा स्पोर्स में लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से यह करीबन 500 न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है, और यह न्यूक्लियस वॉल की जो पेरिफेरल साइड है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जिससे इसकी सेंट्रल पार्ट में खोखला एक सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात इसमें पुनः फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है जो तीन जोन में विभाजित हो जाता है। सबसे ऊपरी जोन को बोलते हैं माइक्रोपाइलर जोन, सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसको रिप्रोडक्टिव या स्टोरेज जोन के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हस्टोरियल जोन। हस्टोरियल जोन का काम होता है वह उसको मेन प्लांट बॉडी जो होता है उसका वहां से न्यूट्रिशन प्रदान करने का यह कार्य करता है। देखने को क्या मिलता है कि जो रिप्रोडक्टिव जोन होता है या स्टोरेज जोन होता है वहाँ पर भी जो कोशिकाएं जो होते हैं लूजली अटैच होते हैं, और यहीं पर आर्किस्पोरियल का विकास होता है। तो इस रीजन का कोई भी एक सेल जो है वह आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, और वह पुनः डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस का निर्माण करता है, पहले को बोलते हैं नीक सेल और नीचे की ओर जो बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब निक सेल में क्या होता है लगातार यह इसमें डिवीजन होता है ट्रांसफर डिवीजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और यह चार कोशिकाओं से लेकर आठ टायर का निर्माण कर लेता है। तो ये जो एफिड्रा है इसमें देखा गया है जो इसकी निक सेल है वह करीबन 30 से 40 निक सेल का एक गर्दन नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। तो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं उसमें सबसे बड़ा निक वाला आर्किस्पोरियल अगर कोई होता है तो वह प्लांट है एफिड्रा। उसके पश्चात जो सेंट्रल सेल है वह सेंट्रल सेल जो है पुनः डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के एक वेंट्रल न्यूक्लियस और एक एज न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है, इसमें वेंट्रल कैनाल सेल का प्रोडक्शन नहीं होता है। अब इस तरह से हमने देखा कि एक मेगा स्पोर से एक एज न्यूक्लियस जो बनने की क्रिया है, एज न्यूक्लियस वन टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इस तरह से एक फीमेल गैमेट के निर्माण होने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स दोनों का निर्माण हो गया। उसके पश्चात अब क्या होता है कि जो दो हमारे पास मेल न्यूक्लियाई होता है या दो मेल गैमेट होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वह एक एज न्यूक्लियस को क्या करता है फर्टिलाइज कर देता है। तो
तो बात ये बात फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का तात्पर्य यही होता है कि दो जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी आपस में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के पश्चात जो जायगोट का निर्माण होता है इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आती है बात जायगोट की, तो जायगोट जो है एक तरह से यह डुप्लाइट स्ट्रक्चर होता है जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का प्रथम न्यूक्लियस होता है। आगे चल करके यह जो जायगोट होता है वह एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है और जेनरेट करके एक नया प्लांट का निर्माण करता है। तो बात करते हैं जायगोट की, जायगोट से एम्ब्रायो बनने की जो क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो जायगोट में दो प्रकार का डिविजन होता है, एक होता है होलोब्लास्टिक, एक होता है यूरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब अगर पूरी जायगोट डिवाइड होकर के अगर एम्ब्रायो बनाने में अपना भूमिका निभाता है तब हम उसको होलोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। और अगर यदि कुछ पार्ट के द्वारा ही अगर जायगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है तब हम उसको यूरोब्लास्टिक के नाम से हम उसको जानते हैं। अब यहाँ पर होलोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट होता है, फिर जो जायगोट होती है, जायगोट की जो फंक्शनल न्यूक्लियस होती है वह डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के दो से चार से न्यूक्लियस का निर्माण करता है, उसके पश्चात यह डिवाइड होकर के एट न्यूक्लिएट या ऑक्टेट का निर्माण कर लेता है जिसको अपन प्रो एम्ब्रायो न्यूक्लियस या एट न्यूक्लिएट प्रो एम्ब्रायो के नाम से जानते हैं। अब इस प्रो एम्ब्रायो में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं सस्पेंसर सेल। अब सस्पेंसर सेल के निर्माण होने के पश्चात सस्पेंसर सेल में एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के वह एक प्राइमरी सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रायोनल इनिशियल का निर्माण कर लेता है। अब देखिए देखने को मिलता है कि जो एम्ब्रायोनल इनिशियल होता है वह पुनः डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के एक कॉटिलिडेंस का निर्माण करता है और एक सेकेंडरी सस्पेंसर सेल का निर्माण करता है। इस तरह से एक एम्ब्रायो में कॉटिलिडेंस का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात जो प्राइमरी सस्पेंसर सेल और सेकेंडरी सस्पेंसर सेल यह दोनों सेल में विभाजन होता है और यह जो एम्ब्रायो है या जो कॉटिलिडेंस है उस कॉटिलिडेंस को ऊपर की ओर धकेल देता है और इस तरह से एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें दो कॉटिलिडेंस का निर्माण हो जाता है और इसके बीच में एक सूट एपेक्स पाया जाता है। हाँ, इस तरह से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सीड की, तो सीड का निर्माण कैसे होता है, ओव्यूल के अंदर में सीड का निर्माण होता है। जिस तरह से जायगोट का डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रायो बनता है और उसी तरह से ओव्यूल के अन्य पार्ट होते हैं वह बीच के जो पार्ट होते हैं जैसे कि सीड कोड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखने को मिलता है कि एम्ब्रायो द्वारा कॉटिलिडेंस का निर्माण होता है जिसके अंदर में एंडोस्पर्म्स एंड मेल गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट्स स्थिर होते हैं और यह चारों ओर से दो लेयर इंटेग्यूमेंट से घिरे हुए होते हैं। यही इंटेग्यूमेंट क्या कहलाता है, सीड कोट, जिसके आउटर लेयर को अपन टेस्टा और इनर लेयर को टेगमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो इफेक्टर प्लांट है उसकी एक और खासियत होती है कि सीड कोट बाहर से एक विशेष प्रकार के फ्लैसी थिक वॉल स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं ब्रेक्ट के द्वारा घिरा हुआ रहता है और एक कॉम्पैक्ट सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जिस तरह से सीड का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो फेवरेबल कंडीशन मिलने पर यह सीड का जर्मिनेशन होता है। इसमें जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन। हाइपोजियल क्या होता है कि अगर कॉटिलिडेंस जमीन से ऊपर नहीं आते तो ऐसे जो जर्मिनेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन कहते हैं। अब देखने को क्या मिलता है कि जैसे ही ये जो अपना कॉटिलिडेंस होता है वह जमीन के अंदर रहते हैं और इसके ऊपर हाइपोकोटाइल्स जो है जमीन के बाहर आते हैं, तो हाइपोकोटाइल्स के जस्ट नीचे में एक जोन होता है रेडिकल और उस रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और उसके जस्ट ऊपर में एपिकोटाइल का निर्माण होता है जिसके पास एक प्लूमूल होता है और उस प्लूमूल से सूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक नया सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और वह आगे चल करके एक यंग प्लांट में तब्दील हो जाता है और इस तरह से एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। हमको इस लाइफ साइकिल में देखने को यह मिलता है कि जायगोट से लेकर के जो माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर्स मदर सेल बनने की जो प्रोसेस होती है वह
डिप्लॉयड स्टेट कहलाता है, जिसको पर क्या बोलते हैं 2x या डिप्लॉयड स्टेज के नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात जब मेगास्पोर्स मदर सेल होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, उसमें डिवीजन होता है मियोसिस डिवीजन, जिसके पश्चात गैमेटोफाइट स्टेट का निर्माण होते हैं, जो होते हैं सिंगल एक्स अपन बोल सकते हैं, या हैप्लॉइड फेज हैप्लोफेज का निर्माण होता है। इस तरह से हमने देखा कि जो हेटेरा के लाइफ साइकिल में डिप्लोफेज और हैप्लोफेज दोनों का एक अल्टरनेशन होता है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से एक नए प्लांट बॉडी का निर्माण होता है और यह प्रोसेस चलती रहती है, सीड से जनरेट होकर के फिर पुनः प्रोसेस करते हुए एक नए प्लांट का निर्माण जो होता है वह लाइफ साइकिल के नाम से लाइफ साइकिल कहलाता है। थैंक यू, फिर एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं।